दुनिया की 70% इकोनॉमी जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट है। जानवरों के शरीर में ऐसे लिक्विड्स पाए जाते हैं जिसका महंगाई करोड़ों में है। और आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 सबसे महंगा एनिमल एक्सक्रीटेड लिक्विड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है मनु का हनी। हनीबीज को दुनिया का सबसे ज्यादा मेहनती जीव माना जाता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए हनीबीज को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है, जो कि धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। हनीबीज के द्वारा प्रोड्यूस किया गया शहद इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा फूड है जिसके अंदर जिंदगी जीने के लिए सभी आवश्यक तत्व मौजूद है। बाजार में शहद की कई वैरायटीज मौजूद है, मगर उन सब में से सबसे ज्यादा हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिया से न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला मनु का हनी। इसके अंदर भरपूर मात्रा में एसेंशियल विटामिंस और एंजाइम्स होने के साथ ही साथ MGO नाम के खनिज तत्व भी मौजूद है, जो दिमाग की गतिविधियां बढ़ाने में और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इसकी यही खासियत के वजह से ही मनु का हनी दुनिया भर में मशहूर है और जो काफी कीमती भी है। इसकी कीमत करीब $8,000 यानी लगभग 5,60,000 रुपए पर गैलन है। नंबर 2 पे है स्विफ्टलेट सलाइवा। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे महंगा खाना क्या है, तो इसका जवाब होगा बर्ड नेस्ट सूप। ये सूप स्विफ्टलेट प्रजाति के चिड़ियों की बनाई गई घोंसले से तैयार किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाने वाले स्विफ्टलेट चिड़िया गुफाओं के दीवार में अपने सलाइवा यानी लार से घोंसले बनाती है। मजदूर इन्हीं घोंसले को गुफा के दीवारों से उखड़कर अमेरिका, चाइना और वियतनाम जैसे देशों में बेचता है, जहां इन घोंसलों का बहुत डिमांड है। वहां के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इसके इस्तेमाल से एक बहुत ही हेल्दी सूप बनाई जाती है, जिसका नाम है द बर्ड नेस्ट सूप। इस सूप में कई तरह की विटामिंस और प्रोटीन्स मौजूद है, जिसे खाने से कैंसर जैसे बीमारियों को भी रोका जा सकता है। और तो और इस सूप में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के भी क्षमता है। बाजार में 1 किलो स्विफ्टलेट सलाइवा का दाम तकरीबन $10,000 यानी 7 लाख रुपए है। अब नंबर 3 पर है हॉर्सशू क्रैब। गहरे समुद्र में रहने वाला हॉर्सशू क्रैब एक बेहतरीन केकड़े की प्रजाति है, जो दिखने में एकदम घोड़े की नाल जैसा लगता है। इनके खून बहुत ही रेयर किस्म की है, जिसमें अधिक मात्रा में कॉपर होने के कारण ये खून नीले रंग का होता है और इसका नीला खून ही अब इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। हॉर्सशू क्रैब्स के खून में कई तरह के दुर्लभ तत्व मौजूद है, जिनमें से एक है लिमुलस एमिबोसाइट लाइसेट, जो कि इन क्रैब्स के शरीर में जर्म्स और टॉक्सिन से होने वाले नुकसान से इसे बचाता है। हॉर्सशू क्रैब्स के खून में मौजूद इसी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के कारण मेडिकल साइंस में इसकी बहुत डिमांड है, जिसके चलते इनके खून का दाम पर गैलन $60,000 यानी भारतीय रुपए में 42 लाख रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 4 किंग कोबरा वेनम। किंग कोबरा को दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप माना जाता है। इनके काटने से 1 घंटे के अंदर अगर इलाज नहीं मिला तो मौत हो सकता है। इसके जहर से एक हाथी भी मर सकता है, मगर इनका यही खतरनाक जहर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इनके जहर में ओहेनिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर माना जाता है। इसी वजह से मेडिकल साइंस में इन पॉइजन की बहुत कीमत है। इनके जहर से दवाई के साथ साथ वेनम पाउडर यानी दुनिया का सबसे महंगा ड्रग तैयार किया जाता है और जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में होता है। कोबरास का ये पॉइजन बहुत ही मुश्किल से निकाला जाता है और एक किंग कोबरा से सिर्फ 1.5 ग्राम तक ही जहर मिलता है। इसीलिए रिसर्चर्स को एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ वेनम को इकट्ठा करने के लिए काफी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। आज के तारीख में 1 गैलन कोबराज वेनम का कीमत है लगभग $1.5 मिलियन यानी इंडियन आंकड़ों में करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए। अब नंबर 5 पर है स्कॉर्पियन वेनम। किंग कोबराज की तरह स्कॉर्पियन भी बहुत ही घातक जानवर है और जिसकी जहर किंग कोबराज के जहर से भी अधिक महंगा है। स्कॉर्पियंस का जहर खतरनाक होने के साथ साथ इंसानों के लिए काफी यूजफुल भी है। इनके पॉइजन में कई अनोखे प्रॉपर्टीज होती है, जो पेन किलर के तौर पर काम करती है। और तो और मेडिकल साइंस में इस पॉइजन का इस्तेमाल कई तरह के कैंसर को क्योर करने के लिए और ट्यूमर सेल्स को नष्ट करने के लिए किया जाता है। एक स्कॉर्पियन से केवल 0.5 मिलीग्राम से लेकर 2 मिलीग्राम तक ही पॉइजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है।
और पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करने की ये प्रोसेस काफी मुश्किल भी है, जिसके लिए स्कॉर्पियंस के डंक में बिजली के झटके दिए जाते हैं और पॉइजन निकलने के तुरंत बाद ही इसे फ्रीज करना पड़ता है ताकि इसकी इफेक्टिवनेस बरकरार रहे। इसी वजह से स्कॉर्पियन वेनम काफी महंगा होता है। एक गैलन स्कॉर्पियन पॉइजन को इकट्ठा करने के लिए साइंटिस्टों को तकरीबन 50 लाख से भी ज्यादा स्कॉर्पियंस को पकड़ना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है। इन जहर की कीमत भारतीय रुपए में 75 करोड़ रुपए है और यही है दुनिया का सबसे महंगा एनिमल एक्सक्रीटेड लिक्विड। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम इंसान आज खुद के भलाई और फायदे के लिए बेरहमी से जानवरों को मारकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये दुनिया जितना हमारा है उतनी ही उन जानवरों का भी है। तो क्या आपको अपने फायदे के लिए जानवरों को इस तरह से टॉर्चर करना सही लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप हमारे मनोबल बढ़ा सकते हैं। हम फिर आएंगे कोई नए वीडियो लेकर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।